श्री विष्णु सनातन धर्म डिग्री कॉलेज भटोली में बीएससी और बीकॉम की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर कॉलेज मैनेजमेंट व यूनिवर्सिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई छात्राएं फूट फूट कर रोती हुई कैमरे में कैद हो गई। छात्र छात्राओं का आरोप था कि एक तो उनका रिजल्ट 8 माह देरी से घोषित किया गया और दूसरा एक बार रिजल्ट में पास करार किए गए छात्र छात्राओं को फिर से घोषित किए गए रिजल्ट में फेल कर दिया और 2 से अधिक कंपार्टमेंट दे दी। इन छात्र छात्राओं ने कहा कि उन्हें अपने 2 वर्ष खराब होने का डर सताने लगा है, इसलिए उन्हें पहले की तरह फिर से पास किया जाए। इन छात्र छात्राओं ने कहा कि कुल 170 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों को ही पास किया गया। इन छात्र छात्राओं का आरोप था कि उन्हें पूरा सिलेबस भी नहीं करवाया गया। बावजूद इसके छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत से पेपर दिए और पास हुए, लेकिन बाद में ये कहते हुए फेल कर दिया गया कि ग्रेस नंबर फाइनल वालों को दिए जाते हैं, लेकिन गलती से आप सबको दे दिए गए थे। सर, एक तो पहले उन्होंने 8 मंथ के बाद रिजल्ट निकाला है, वो भी अभी सभी बच्चे फेल किए हुए हैं और जो पास थे उनको भी आज फेल कर दिया। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं कि हमें पास किया जाए तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हमने यूनिवर्सिटी फोन किया था, उन्होंने हमें साफ साफ बोल दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप रिवेल्युएशन भर दो। तो आप बताओ कि हम आगे का पढ़ें कि पीछे का पढ़ें। सभी बच्चे फेल है, सिर्फ बीएससी बीकॉम पूरी फेल है, सिर्फ 7 बच्चे हैं जो पास हैं। सर, यूनिवर्सिटी ने, एक तो सबसे बड़ी उनकी गलती थी कि उन्होंने लेट रिजल्ट भेजा है, ऊपर से हमारे 2 साल खराब हुए। हमें ये समझ नहीं आ रहा हम फर्स्ट ईयर में बैठे या सेकंड ईयर में बैठे। ऊपर से 3-3, 4-4 सप्लियां दी, वो भी 2-2 या 3-3 नंबरों से फेल किया गया बच्चों, जबकि बच्चों ने बहुत अच्छे पेपर डाले हुए थे। 50% सिलेबस भी कवर नहीं किया गया, किसी भी बच्चे से पूछा जाए 50% सिलेबस भी कवर नहीं किया, कवर नहीं था। हूँ इस टाइम तुम ये दसो कि बच्चों को फेल कितना कर सकते, जिस टाइम तुसी 50% सिलेबस ही नहीं करवाया तुसी फेल कितना कर सकते। हर एक बच्चा चाहे जिदे A+ ग्रेड है, O+ है, जिन्ने मर्जी ग्रेड है, सारे बच्चे प्रमोट चाहिए। सर प्रमोट किया जाए। उधर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरविंद शर्मा से जब इस बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि 21 तारीख को बीकॉम प्रथम वर्ष के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें काफी बच्चे री अपियर हुए थे, लेकिन आज फिर से नतीजे घोषित किए गए जिसमें बच्चों को फेल किया गया है। लगता है कि पहले दिए गए ग्रेस नंबर वापस ले लिए गए हैं, जिस कारण ये समस्या पेश आई है। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद शर्मा। अरविंद जी, ये बच्चे आजकल बहुत रोष में थे कि पहले उनको पास किया गया, हाँ जी, फेल कर दिया गया। सर, क्या मामला क्या है? ऐसा है, बच्चों का पहले 21 को रिजल्ट आया था बीकॉम फर्स्ट ईयर का, तो उसमें बच्चे जो थे उनकी रीपेयर थी, तो लेकिन जो आज रिजल्ट आया है रिवाइज होकर उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, तो उनकी 2 से ज्यादा रीपेयर आई हैं। तो जो पहले रिजल्ट था उसमें उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को, लेकिन आज शायद विथड्रॉ कर लिया बिकॉज ऑफ सम रीजन, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है तो वो काफ़ी रोष में थे कि हमें फेल कर दिया है, वो ठीक है अपनी जगह, उन्होंने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है और वो रिप्रेजेंटेशन हमने यूनिवर्सिटी को भेज दी है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से रिक्वेस्ट करिए कि वो जल्द से जल्द जो बच्चों की रिप्रेजेंटेशन है उस पर कार्रवाई करें और जो भी जिन भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स अगर मिलने हैं तो उनको देके, सो दैट कि उनको क्लियर हो जाए कि उन्होंने किस क्लास में बैठना है। तो सर, बच्चों का मानना है कि एक तो रिजल्ट जो था वो 8 माह लेट आया है, हाँ जी, ऊपर से पास के बाद फिर फेल किए, इसकी चीज का दुख है, गेट बंद करके बच्चे, हाँ जी, यही ये देखो रिजल्ट जो लेट आया है ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, बीच में शायद कोड ऑफ कंडक्ट का कोई होगा या इलेक्शन का है, तो इसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ अपने लेवल पे कि रिजल्ट यूनिवर्सिटी से लेट क्यों हुआ है। तो और जहां तक वही जो मैंने जैसे अभी कहा है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों विथड्रॉ हुए हैं या उनके क्या ग्रेस मार्क्स बनते हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे और जो भी हमारे लेवल पे कार्रवाई होगी बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको हम करेंगे। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, हमने बच्चों को भी दिखाया है कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो हमने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को भेज दी है और फ्यूचर में भी अभी आने वाले का दिन में भी अगर कोई और भी कार्रवाई करनी होगी तो अपनी तरफ से हम बच्चे करेंगे। बच्चे भी अपनी जगह ठीक है ना, बोल रहे हैं 2 साल खराब हो रहे हैं, बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब भी बोल रहे हैं कि सिलेबस भी हमें पूरा नहीं करवाया गया था। ये देखो, वो लास्ट ईयर कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए तो अल्टरनेट डेज पे क्लासेस लगती थी उनकी, तो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो आज की स्थिति है कि बच्चों का रिजल्ट जो खराब है क्यों है, क्या उनको हम अपडेट कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि द्वारा से वो पेपर चेक करवाए हमारे स्टूडेंट्स के, ताकि जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं कि उनके जो नंबर आए हैं वो उनके जो उन्होंने किया था उसके अकॉर्डिंग है।
ठीक है, अगर उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए अगर उनको थोड़ा सा एक आध सब्जेक्ट में प्रमोट करना पड़े तो हम यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वैसा करें। बच्चों को अच्छा भी मानना ना कि पहले एक सब्जेक्ट में आई थी कपार्ट में, फिर दो में आ गई। हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, फिर शायद विदड्रॉ कर लिए हैं, अभी एक बार फिर से रिजल्ट अपडेट हुआ है, तो हमें एक आध दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि फाइनल बच्चों का रिजल्ट क्या आता है। तो उसके बाद के लिए नहीं, मैंने बच्चों को समझाया है कि हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई है उसको हम कर रहे हैं, और उनको कहा है कि आप अपनी क्लासेस में बैठिए, रिजेंटमेंट होती है थोड़ी बच्चों में, बच्चे हमारे ही हैं, ऐसी बात नहीं है, इनको हम शांत करेंगे, इनके भले के लिए जो भी है, नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे, हमारे अपने बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा देखो वो अपनी जगह ठीक है, वो थोड़ा गुस्से में है, लेकिन जैसे हमें यूनिवर्सिटी से कुछ पता चलता है उनको हम अपडेट भी करेंगे, तो जो भी बनेगा हम अपने लेवल पे करेंगे। ठीक है सर। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नंगल से कनाव शर्मा की रिपोर्ट। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।